हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आगे आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी जो कि एयरपोर्ट की होगी, जिसमें हमारी बिटिया रानी जाएंगी USA के लिए। वो वाली वीडियो मैं शेयर करूँगी और थोड़ा वीडियो लेट हो गया उसके लिए सॉरी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक महीने पहले किस तरीके की राखी बंधवाई जा रही है, कहीं पिछली पुरानी तो नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, ये अभी की है। वो डिस्कस मैं आगे आपको वीडियो में करूँगी कि किस लिए हमने एक महीने पहले ये राखियाँ बंधवाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जो कि निकी जाने वाली है USA के लिए। वहाँ इतना रोना धोना हो गया था ना निकी के साथ में कि किसी को वीडियो बनाने की सूझी ही नहीं थी। बस छोटी छोटी जो क्लिप्स थी वो हमने बना ली थी और जो वही मैंने इस वाली वीडियो में ऐड कर दी हैं। सो गाइस, फाइनली हमारी बिटिया रानी का जाने का टाइम आ गया है। वो सबको बाय बाय करके चली गई हैं अपने न्यू सफ़र के लिए, न्यू जर्नी के लिए। और उसके बाद फिर निकी ने अंदर से एयरपोर्ट के अंदर जो उनका प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने के बाद छोटी छोटी वीडियो बना के मुझे भेज दी थी जो कि मैंने इस वाली वीडियो में ऐड कर दी हैं। उसके बाद उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, फ्लाइट भी बुक चुकी थी। उन्होंने छोटी छोटी जो भी थी वीडियो बना दी थी जो कि मैंने इस वाली वीडियो में ऐड कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा तो व्लॉग नहीं बन पाया था इसके लिए सॉरी आज के लिए। उसके बाद फिर हमने एयरपोर्ट पे फिर हमने फ़ोटो क्लिक की थी वो की जो कि मैंने इसमें लगा दी है निकी के साथ में। और हमने मेमोरी के लिए हमने फ़ोटो क्लिक की थी। और ये तीनों भाई हैं यानी कि निकी के मामा हैं तीनों। और ये लोग सब देख सकते हैं, सारे बच्चे हैं। और आपको बता दूं मैं कि हमने बच्चों के एक महीने पहले राखी क्यों बनवाई है। जी हाँ, वो हमने इसलिए बनवाई है कि हमारे घर में किसी की भी बेटी नहीं है, सबके पास लड़के ही लड़के हैं। बस छोटी वाली जो मेरी ननद है उनकी ही दो बेटियां हैं, तो वही सारे बच्चों के सारे भाइयों की वो ही राखी बांधती हैं। तो एक महीने बाद तो रक्षाबंधन आने वाले ही थे, तो बच्चे बिना राखी के रह जाते। तो इसलिए हम सब ने सोचा कि एक महीने पहले ही क्यों ना बच्चों की राखी बंधवा ली जाए निक्की से। उसके बाद तो पता नहीं फिर कब आएंगी, कब राखी बंधेगी। तो इसलिए हमने एक महीने पहले ही बच्चों की राखी बंधवा दी थी। वैसे तो दीदी वगैरह राखी बांध ही देती हैं बच्चों के, लेकिन जो एक बहन की जो फीलिंग होती है वो तो एक अलग ही होती है। सो फाइनली हमारी निकी बाय बाय कर गई हैं सभी को, USA के लिए निकल गई हैं। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।